भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान का लोग सभा चोणों तो पहला पंजाब दौरा सियासी गलियारों में चर्चे छड़न जोगा तो नहीं रहा, पर इस दौरान अमित शाह ने पंजाब की कांग्रेस सरकार से खूब शब्दी हमले किए ने। अमित शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह रजवाड़ा सोच का मालिक करार देंद्या दोष लाया कि उन्होंने पिछली अकाली भाजपा सरकार वालों चलाई जा रही लोग भलाई योजनावां बंद कर दिता है। शाह ने कांग्रेस से तंज कसिया कि यहोजी सरकार है कि विकास दकीम बंद करके अगे वधन के दावे कर रही है। उन्होंने किसान कर्ज माफी के मुद्दे से भी कांग्रेस को घेरिया, मोदी सरकार को किसान हितैषी दसिया। इतनी सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो शुरू की थी, वो सारी चीजों को बंद 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 करने का काम कैप्टन साहब ने किया है। अभी कैप्टन साहब थोड़े वोकल हुए, शायद अब उनको समय भी मिला है तो चुनाव नजदीक आते ही बोलना शुरू कर देते हैं। कभी कभार चंडीगढ़ रुक भी जाते हैं, कभी कभार ऑफिस भी चले जाते हैं। अभी अभी इन्होंने पूछना शुरू किया कि भारत सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। कैप्टन साहब, आप हमारा हिसाब मांगते हो? आपने वादा किया था कर्जा कुर्जी को कुर्की को खत्म करेंगे, उसकी रकम पूरी करेंगे, आपके वादे का क्या हुआ? एक माह के अंदर नशा खत्म करने का यही अमृतसर में वचन दिया था, क्या हुआ? घर घर नौकरी और नहीं बनी तो 2500 रुपये का बेकारी भत्ता देने का वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूं, इतना समय हुआ क्या हुआ? कर्ज माफी के वादे राहुल बाबा ने पंजाब के चुनाव में किए थे और कर्ज माफी क्या हुई?